देश में लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे मामलों के बीच नागरिकों के बीच डर का माहौल है और इस बीच कोरोना के कई टेस्ट नागरिक करवा रहे हैं। तब ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि बार बार सीटी स्कैन कराने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो एक तरह से खतरे की घंटी है। बार बार सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा रहता है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि कई मरीज हर 3 दिनों में सीटी स्कैन करवाते हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। कोरोना के सामान्य लक्षण वाले मरीजों को सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सीटी स्कैन के बारे में क्या खुलासा किया। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30-40% एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300-400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।